हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्यूटी टच ट्रिक्स चैनल। सो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं फ्रेंच नेल आर्ट विद ग्लिटर माइलर्स और साथ ही साथ में राइनस्टोन वर्क। तो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को देख के बताना आपको कैसे लगे। सो लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलना। सो गाइज, आज हम जेल एक्सटेंशन करने वाले हैं। सो जेल एक्सटेंशन करने के लिए हमें क्या प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं वो मैं आज आपको बताती हूँ। सो नेचुरल नेल को कट करने के लिए सबसे पहले हमें नेल कटर चाहिए, उसके बाद हमें क्यूटिकल पुशर चाहिए। क्यूटिकल को पुश करने के लिए, क्यूटिकल को कट करने के लिए क्यूटिकल कटर, फेक नेल टिप्स को लगाने के लिए नेल ग्लू, उसके बाद हमें प्राइमर चाहिए, उसके बाद हमें टिप कटर चाहिए फेक नेल टिप्स को कट करने के लिए, लिन फ्री वाइप्स चाहिए, पफी ब्रश चाहिए डस्ट को क्लीन करने के लिए, एमरी बोर्ड, बफर, फेक नेल टिप्स चाहिए। आपने अपने नेचुरल नेल के ऊपर रख के फेक नेल टिप्स को देखना है कि हाँ साइड्स में लॉक हो रहा है। अगर हो रहा है तो अपने वन बाय वन आपने टिप्स को सिलेक्ट करके रख लेना है। और जेल एप्लीकेशन करने के लिए हमें जेल ब्रश चाहिए। आप देख सकते हैं फ्रंट से ऐसे फ्लैट स्क्वायर शेप में होता है। साथ ही साथ हमें जेल चाहिए जेल एक्सटेंशन करने के लिए। और बिफोर अप्लाइंग एनी जेल पॉलिश आपको बेस कोट चाहिए। आपने बेस कोट अप्लाई करना है। साथ ही साथ हमें क्यूटिकल ऑयल चाहिए। मेरे पास शील्स का है, आप कोई भी ले सकते हो। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी जेल एक्सटेंशन करना। सो गाइज, हमने नेचुरल नेल को कट कर लिया है और क्यूटिकल को भी कट कर चुके हैं। अच्छी तरह से प्रेप हो चुका है। अभी हम टिप एप्लीकेशन करेंगे। सबसे पहले हमने ब्लॉ बफ करना है अच्छे से नेचुरल नेल के ऊपर, सभी नेल्स पे कर लेना है। ग्लो बफ करने के बाद हमें पफी ब्रश के साथ अपनी डेस्क को क्लीन कर लेना है अच्छी तरह से। और अभी हम टिप एप्लीकेशन करेंगे। वन बाय वन हमने टिप को लेना है, उसके ऊपर वन ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप हमने ग्लू का डालना है अच्छी तरह से। और हमने साथ इसको अटैच कर लेना है अपने नेचुरल नेल के ऊपर। वन बाय वन हमने टिप्स को उठाना है और वन बाय वन हमने टिप एप्लीकेशन करनी है। सेम ऐसे ग्लू उठानी है, वन ड्रॉप लगाना है इसके ऊपर और हमने नेचुरल नेल के ऊपर रख के इसको अटैच कर देना है। हमारी टिप एप्लीकेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है। याद रखना कि हमें स्माइल लाइन के ऊपर ही सिर्फ नेल ग्लू डालनी है और साथ ही हमें इसे अटैच कर लेना है। सो अभी आप देख सकते हैं हमारी टिप एप्लीकेशन हो चुकी है। सो टिप की एप्लीकेशन के बाद हम करेंगे हमारे टिप
कटर की हेल्प से टिप को कट। तो हम हमारे टिप की लेंथ को एक्स्ट्रा ही कट करेंगे ताकि हमें जो टारगेट शेप करनी है उसके लिए हमें एक्स्ट्रा ही लेंथ मिले, क्योंकि बड़ी टिप का इलाज है हम छोटी कर सकते हैं, बट छोटी कट कर दी अगर आपने तो हमें फिर से दोबारा से टिप एप्लीकेशन शुरू करनी पड़ेगी। सो वन बाय वन हमने अपनी टिप को कट कर लिया है, अब देख सकते हैं। सो अब हमने एम्ब्री बोर्ड की हेल्प से जो हमने टिप एप्लीकेशन करी है नेचुरल नेल में मर्ज करनी है, ब्लेंडिंग करेंगे स्माइल लाइन को। साथ ही साथ हमने एम्ब्री बोर्ड की हेल्प से साइड्स को भी नीट करना है। हमने अच्छी तरह से सभी नेल पे एम्ब्री बोर्ड के साथ ब्लेंडिंग कर लेनी है स्माइल लाइन नेचुरल नेल के साथ। सो आप देख सकते हैं हो चुकी है। सो अभी हमने ब्लो बफर की हेल्प से नेचुरल नेल और टिप एरिया दोनों एरिया अच्छे से ब्लो बफ करेंगे, दैट मीन अच्छे से ड्राई करेंगे। हमारी बफिंग हो चुकी है, हमने अपने पफी ब्रश के साथ इसकी डस्ट को क्लीन कर लेना है। सो हमें जो शेप क्रिएट करनी है हम एम्ब्री बोर्ड के साथ वो भी क्रिएट अभी कर लेंगे। तो जैसे कि आज हम बैलरीना शेप बनाने जा रहे हैं जिसे हम इंडिया में कोफिन बोलते हैं, बैलरीना शेप करेंगे। हमारी स्किन पे नहीं लगे इसलिए हमें बिल्कुल स्ट्रेट रख के एम्ब्री बोर्ड को शेप क्रिएट करनी है। सो अभी हम शेप को क्रिएट कर चुके हैं। सो पफी ब्रश के साथ हम सभी नेल के ऊपर जो डस्ट है उसको हम क्लीन करेंगे अच्छी तरह से। सो अभी डस्ट क्लीन करने के बाद हम प्राइमर को अप्लाई करेंगे। सो अभी जो हम प्राइमर है अपने नेचुरल नेल के ऊपर अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम अपने क्यूटिकल को पुश कर लेंगे क्यूटिकल पुशर के साथ अच्छी तरह से सभी नेल्स को पर। सो अभी हम अप्लाई करने जा रहे हैं प्राइमर। अभी आप देख सकते हैं हमने प्राइमर सिर्फ अपने नेचुरल नेल के ऊपर ही अप्लाई कर रहे हैं। सो इसके बाद हमारी बारी है प्रोडक्ट एप्लीकेशन की। सो प्रोडक्ट एप्लीकेशन करने के लिए हमें जेल चाहिए, जेल ब्रश चाहिए। जैसे कि हम आज जेल एक्सटेंशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें बिल्कुल पतला पतला करके एप्लीकेशन करना है। फर्स्ट एप्लीकेशन इसको हम क्योर करवा देंगे साथ ही बिल्कुल ही हमें पतला पतला करके अप्लाई करना है। तो वन बाय वन हमने सभी टिप के ऊपर एप्लीकेशन करना है।
फर्स्ट एप्लीकेशन जो है हमारी हो चुकी है, अभी हम क्योर करवा देंगे इसको। सो गाइज प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज़ माई पेज manaila_nail_studio। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग नेल एक्सटेंशन और प्रेस ऑन नेल्स, सो प्लीज़ DM me। सो गाइज बेस क्योर होने के बाद अब बारी है हमारे बिल्डर एप्लीकेशन करने की। तो सेम जेल की इस तरह से आपको प्रोडक्ट एप्लीकेशन करना है, ऐसे हमने प्लेस करना है। तो बिल्कुल हमने स्लोली स्मूथली एप्लीकेशन करनी है। सो सेकंड टाइम आपको थोड़ा थिक जेल लेनी है, सभी नेल्स के ऊपर अच्छे से लगाएंगे। सो एप्लीकेशन हो चुकी है, तो अभी हमें ग्रेविटी देनी है। सो ग्रेविटी के बाद हमें इसको क्योर करवाएंगे। अगर आपका साइड पे प्रोडक्ट जा चुका है तो हम टूथपिक के साथ ऐसे इसको साइड्स को नीट कर लेंगे। ग्रेविटी देने का मतलब ये है कि हमारा प्रोडक्ट जो है साइड्स पे होता है, जो वो हमारा सेंटर में आ जाता है, तो उसमें बाउंस आ जाता है अच्छे से। सो अभी हम इसको क्योर करवा लेंगे। सो क्योर करवाने के बाद हम चेक करेंगे कि ये ड्राई हो चुका है। सो आफ्टर दैट हमने ए स्टोन के साथ इसको, हमारी जो चिपचिप लेयर है जेल की, हमने इसको क्लीन करना है अच्छी तरह से, ताकि इसके ऊपर थोड़ी सी भी चिपचिप ना रहे। इसके बाद मैं एम्ब्री बोर्ड यूज़ कर रही हूँ। एम्ब्री बोर्ड यूज़ करने का रीज़न यही है कि जितने भी हमारे डंट्स एंड बम्प्स बने हुए हैं जेल के, वो सारे स्मूथ हो जाएंगे। तो हमारा हो चुका है एम्ब्री बोर्ड, हमने कर चुके हैं अच्छी तरह से। साथ ही साथ हमने इसके साइड्स को, शेप को नीट करना है अच्छी तरह से। तो जितने भी डस्ट है अभी हम पफी ब्रश के साथ इसको क्लीन कर लेंगे अच्छी तरह से। और इसके बाद करेंगे सभी नेल्स को ब्लॉब ऑफ, अच्छी तरह से ब्लॉब ऑफ करेंगे, ताकि एम्ब्री बोर्ड के साथ जितने भी हमारे स्क्रैचेस थे वो सारे के सारे रिमूव हो जाएं। सो अब मैं सभी नेल्स के ऊपर बेस कोट अप्लाई करूँगी अच्छी तरह से, वन बाय वन करके। सो यहाँ से पार्ट टू शुरू हो रहा है गाइस डिज़ाइनिंग का। तो डिज़ाइनिंग से पहले हम ब्लॉब ऑफ कर चुके हैं, उसके बाद हम अभी बेस कोट अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके बाद मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ हमारी जेल पॉलिश की। हम इसको क्योर करवा लेंगे। हमारी फर्स्ट जेल पॉलिश एप्लीकेशन है, वो बिल्कुल हमने थिन लेयर लगानी है नेल के ऊपर जेल पॉलिश की।
क्योंकि फर्स्ट कोट आप जितने पतले लगाओगे नेल्स उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो हमारी प्रोडक्ट एप्लीकेशन जो है वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग रहती है। सो वन बाय वन हमने बिल्कुल थिन लेयर लगानी है जेल पॉलिश की। तो गाइज, जो हम सेकंड कोट करेंगे ऑफ जेल पॉलिश, उसको भी हम पतला पतला अप्लाई करेंगे और उसको ही साथ ही साथ हम क्योर करवा देंगे। क्योर करवाने के बाद है हमारे फर्स्ट नेल आर्ट डिज़ाइन की, तो हम ग्लिटर पॉलिश अप्लाई कर रहे हैं। तो इसकी भी हमने सबसे पहले एक थिन कोटिंग करनी है नेल पेंट की, साथ ही साथ इसको क्योर करवा देंगे, फिर हम सेकंड कोट करेंगे, इसको भी क्योर करवा देंगे, साइड्स को अच्छी तरह से नीट कर लेंगे, इसके बाद हम क्योर करवा देंगे। क्योर हो चुका है अच्छी तरह से। तो अभी मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट ले रही हूँ पोस्टर के ऊपर फ्रेंच क्रिएट करने के लिए मिडल फिंगर के ऊपर। पहले मैं ब्रश के साथ पतला पतला कोटिंग करके ग्लिटर्स का ब्रश के साथ मैं फ्रेंच क्रिएट कर रही हूँ। तो फ्रेंच क्रिएट करने के बाद मैं इसको क्योर करवा दूंगी। क्योर करवाने के बाद अगर नीड है मुझे सेकंड कोटिंग की तो मैं इसको सेकंड कोटिंग करूंगी, अदरवाइज अगर आपको नहीं ज़रूरत तो आप मत करना। तो सेकंड कोटिंग में इस ग्लिटर को थोड़ा डार्कर शेड दे देंगे और इसको भी हम क्योर करवा देंगे अच्छी तरह से। क्योर हो चुका है। गाइस, जो मेरे पास जेल पॉलिश है इसके चिपचिप लेयर है, तो अभी मैं ईस्टोन के साथ इसको नीट कर रही हूँ, बिल्कुल क्लीन कर रही हूँ। सो गाइस, मैं अभी वाइट जेल पॉलिश ले रही हूँ और बाकी नेल्स के ऊपर अभी हम फ्रेंच नेल आर्ट क्रिएट करेंगे। तो मैं ब्रश के साथ इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। सो गाइज, एप्लीकेशन हो चुकी है, हमने क्योर भी करवा दिया है। अभी हम मिडिल फिंगर के ऊपर आर्ट करेंगे, राइनस्टोन वर्क करेंगे, बाकी नील्स के ऊपर हम कुछ भी नहीं करेंगे। सो अभी मैं जेल ले रही हूँ, जेल के हम एक कोटिंग करेंगे मिडिल फिंगर के ऊपर। राइनस्टोन ले रही हूँ, मिडिल फिंगर के ऊपर हमने पतली कहके लेयर लगानी है। गाइस, जो हमने जेल एप्लीकेशन करी है उसी के ऊपर हमने विदाउट क्योर उसके ऊपर राइनस्टोन प्लेस करने हैं वन बाय वन।
जैसे आपको चाहिए। तो साथ ही साथ विदाउट क्योर मैं इसके ऊपर बीट्स लगा दूंगी छोटे छोटे। सो राइनस्टोन प्लेस हो चुके हैं, हम इसको क्योर करवा देंगे। क्योर करवाने के बाद जो जेल की चिपचिप लेयर है उसको हम एस्टोन के साथ क्लीन कर देंगे। बाद में इसको ब्लॉब बफ करके अच्छी तरह से पफी ब्रश के साथ नीट कर देंगे। अभी मैं टॉप कोट अप्लाई कर रही हूँ सभी नेल्स के ऊपर अच्छे से। और सबसे पहले इसको जहाँ पर मैंने राइनस्टोन प्लेस करा है वहाँ पर मैं टॉप कोट अप्लाई करके अच्छी तरह से इसको सील कर दूँगी ताकि राइनस्टोन हिले नहीं। सो वन बाय वन हमने सभी नेल्स के ऊपर टॉप कोट अप्लाई करना है। सो टॉप कोट अप्लाई करने के बाद 30 सेकंड के लिए हमें लैंप के अंदर इसको क्योर करवा देना है। गाइस टॉप कोट लग चुका है, अभी हम क्योर करवा देंगे इसको। सो गाइस नेल डिज़ाइनिंग जो है आप देख सकते हो डन हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।